नमस्कार दोस्तों, फिर से एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है रायगढ़ करवी बाइकर। तो आज हम रिव्यू करने जा रहे हैं इस शीशे का, काफ़ी मजबूत शीशा है, इसके बारे में आपको सब कुछ बताऊंगा। अरे रुकिए 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 रुकिए, मजाक कर रहा था, इसका नहीं हम रिव्यू करेंगे शीशे का। तो हम आज रिव्यू करेंगे अपडेटेड वर्जन जो सीट्रॉन SBTEC की तरफ से जो सीट्रॉन आती है इलेक्ट्रिक व्हीकल, ये अपडेट हो चुकी है। तो क्या क्या अपडेट आए हैं ये सब मैं आपको बताऊँगा, एक बार फिर से चला के भी दिखाऊंगा ताकि पिकअप वगैरह में क्या फ़र्क आया है क्या नहीं फ़र्क आया सब चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। इसमें बहुत सारे कलर्स भी आ गए, वो भी आपको बताऊंगा आगे वीडियो में। तो चलिए विलंब नहीं, आरंभ करते हैं। जैसे कि ये व्हीकल बहुत हेवी वेट कैरी करता है, फॉर एग्जांपल अभी मेरा वेट 80 kg है, तो मैं चढ़ पा रहा हूँ, मैं जंप कर पा रहा हूँ, तो ड्राइविंग के टाइम भी ये हेवी वेट ने का तो हेवी ऑफर देना पड़ता है, बनता है हमको, क्योंकि इतना मेहनत कर रहे हैं रायगढ़ कर ईवी बाइकर। ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ये उनको जैसा उनकी इच्छा है उस हिसाब से वो प्रमोट कर रहे हैं। उनके चैनल को आप सब्सक्राइब बटन क्लिक कीजिए, लाइक बटन क्लिक कीजिए, बेल आइकन दबाइए और उसका स्क्रीनशॉट उनके मोबाइल पे या डिस्क्रिप्शन दिए हुए मोबाइल पे व्हाट्सएप कीजिए, तो आपको एक स्पेशल ऑफर की तरह एक हमारी तरफ से टोकन ऑफ गिफ्ट पूरा एक्सेसरीज का पैकेज हम फ्री कर देंगे। तो लीजिए दोस्तों, अभी आपको बस सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन का बेल दबा के रखना है, उसका स्क्रीनशॉट मैं नीचे नंबर सर का डाल दूंगा, व्हाट्सएप नंबर कंपनी का, उसके आप स्क्रीनशॉट भेज देना, तो आपको ये स्पेशल पैकेज ऑफर का जो है ये उपलब्ध करा के देंगे। गाड़ी को हमारे वेटिंग है सर, फिर भी हम रायगढ़ कर ईवी बाइकर के चैनल के लिए ओनली ये अवेलेबल, हमारे मेरे चैनल के थ्रू आप आ रहे हो तो ये आपको गाड़ी अवेलेबल करवा के देंगे। तो दोस्तों, हमारे साथ है SBTEC की तरफ से सुशांत सर, जो क्या क्या अपडेट्स आए हैं, रेंज में क्या इम्प्रूवमेंट हुआ है, पिकअप में कैसे इम्प्रूवमेंट किया है, सब चीज़ें बताएंगे। मैं शॉर्ट रखने की कोशिश करूँगा क्योंकि ये बस अपडेट है, तो पहले वाला आपको वीडियो आई बटन के लिंक में आपको मिल जाएगा, पहले वाले अब पूरे फ्यूचर्स एक्सप्लेन किए थे हमने क्या क्या है, बस इसमें थोड़े से अपडेट आया है। तो अपडेट जो आया है चाबी में आया है, मैं आपको चाबी में दिखाता हूँ कैसी चाबी है। तो कुछ इस प्रकार चाबी है, इसकी चाबी भी इम्प्रूव हो गई है, इसका क्वालिटी भी काफ़ी अच्छा है। आपको यहाँ पे लॉक अनलॉक फिर अलार्म का बटन, अगर अलार्म इसको जो है सेंट्रल लॉकिंग आता है, तो अगर कोई गलती से आपकी गाड़ी छूते तो अलार्म का बटन अगर बजता है तो आप भी बंद कर सकते हो। आपको बूट खोलने के लिए भी आप यहाँ से ही आपको बूट खोलना पड़ेगा। और तो ये सब चीज़ें हैं इसके की में, इसमें क्रोम का अच्छे से डिज़ाइन आपको मिल जाता है, तो काफ़ी अट्रैक्टिव और काफ़ी हाई क्वालिटी की जो है आपको की मिलती है। और इसमें आपको सब जो है इसी की से होगा, स्टार्ट स्टॉप वहाँ पे भी बटन है, मैं बताऊँगा आपको कहाँ पे बटन है ऑन ऑफ करने के लिए। तो कोई इग्निशन डायल इसमें जो है नहीं आती है। तो सुशांत सर बताइए क्या क्या अपडेट्स आई है आपके सीट्रॉन में, नई जो अपडेट आया है। हेलो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल बी प्रिपेयर्ड फॉर द फेस्टिव सीजन, सब फेस्टिवल्स अभी शुरू हो रहे हैं, उस हिसाब से हमारे SBTEC और हमारी टीम ने इसमें 7 कलर्स लाए और 15 अगस्त को हमने इनका रेनबो कलर्स लॉन्च किया हुआ है, जिसमें आपके पास बहुत ही वाइब्रेंट कलर्स लॉन्च हुए, जो आपको सर लिंक में डालेंगे ब्रोचर, जिसमें आप कलर्स देख पाएंगे, जैसे कि येलो, ब्लू, रेड, ब्लैक, सिल्वर, वाइट कलर जो है।
और इसमें फीचर अपग्रेड ऐसा है कि शेप में इसको बहुत मैनली किया गया है, सब ब्लैक फिनिश अभी दे दिया है, पहले सिल्वर फिनिश का ऑप्शन था, अभी पूरा ब्लैक फिनिश है और कलर्स में एक प्रीमियम लेयर कोटिंग है जिसमें स्क्रैच रेजिस्टेंस का एक फीचर दिया गया है। ये अभी भी फाइबर ही है ना, कि ये चेंज हुआ है? पीपी एबीएस फाइबर है, हाई क्वालिटी फाइबर, ओके, जो कि शेप रीगेन कर सकता है वर्जिन। दोस्तों मैं बता दूं, पहले वाला जो वर्जन था ना उसमें सिर्फ एक ही कलर आता था व्हाइट, तो इन्होंने बहुत सारे कलर लेके आए, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में कलर कौन कौन से वो बता दूंगा। अभी हम लोग जो स्कूटर है इसका सीट देखेंगे तो इसका लेंथ बहुत ही बड़ा हुआ है, इसका विड्थ पिच बहुत बढ़ गया और हाइट और कुशनिंग का क्वालिटी भी और प्रीमियम किया गया है। हाँ, मैंने चला के देखा तो दोस्तों काफी कंफर्टेबल सीट लगा मेरे को। और ये ड्यूअल टोन अभी सीट में फिनिश दिया गया है, जहाँ पे लेदर फिनिश कम प्रीमियम फोम लेदर फिनिश दोनों अपग्रेड किया गया है, तो ये अपग्रेड है सीट में, एक अपग्रेड है। अभी ये जो पूरा डिस्प्ले है इसमें सब सेंसर कनेक्टिविटीज है, डायनामिक डिस्प्ले है जो कि डे टाइम में बहुत ही ब्राइट हो जाता है, नाइट टाइम में ये डिम हो जाता है। इसमें आप परसेंटेज जितना एक्यूरेट मैच कर पाए वैसे कंपनी ने मैच किया है, लेकिन इसमें शायद पहले वाले में परसेंटेज नहीं दिखता था, तो अभी आप यहाँ पे परसेंटेज लेके आए हो तो एक अच्छी बात है। कोई भी यूज़र है गाड़ी यूज़ कर रहा है तो उसके आंखें के सामने जो है कितना बैटरी चार्ज है डिस्चार्ज है वो दिख जाएगा, ये एक अच्छी बात है। बाकी सब डायमेंशंस ऑफ द डिस्प्ले सेम रखा गया है परसेंटेज फीचर के साथ, उसमें ऐसा एक जस्ट एक बैकअप दिया गया है ताकि 0% जब भी बैटरी बता रहा है फिर भी कस्टमर को 5-12 किलोमीटर आराम से बैकअप मिल जाए, ताकि वो किसी हड़बड़ में कहाँ पे ना हो, अपने घर पे या सर्विस स्टेशन पे नियरेस्ट चार्जिंग पॉइंट पे आराम से चला जाएगा। तो शायद ये बटन से काम कर, ये दो बटन का बता दीजिए सर, ये क्या है? ये हैजर्ड लाइट्स है, इसमें अभी अलार्म साउंड ऐड कर चुके हैं हम लोग, जो कि एक अपग्रेड चाहिए था कस्टमर को हमारे। सेकेंडली ये एक ऑटो रिपेयर स्विच है, और इसमें स्पेशल फीचर ऐसा है कि ये पूरा सिस्टम को बाईपास करके मोटर और बैटरी को डायरेक्टली कनेक्ट करता है, ताकि आप 15-25 के स्पीड से एज पर वेट ऑन स्कूटर इमरजेंसी में ट्रैवल कर पाए आपके सर्विस स्टेशन या घर पे। इमरजेंसी वहीं पे होगा जब आपका बैटरी जो है पूरा डिस्चार्ज हो जाएगा, बाकी की मतलब गाड़ियां उनमें आपको खड़े रहना पड़ेगा रास्ते पे, तो इस पे एटलीस्ट आप आपके घर पे या फिर नियरेस्ट चार्जिंग पॉइंट पे आप इस बटन को दबा के 12 या 15 की किलोमीटर की स्पीड से, वो डिपेंड करेगा आप डबल सीट है सिंगल सीट है वेट कितना है, 12 भी हो सकती है स्पीड, 15 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, तो आप आराम से जो है पहुँच सकते हो। ये मोड में अभी चेंजेस ऐसे किए गए कि मोड 1, 2, 3 तीनों में पिकअप लगभग 8-13% से इंक्रीज किया है, लेकिन माइलेज उससे वाइस वर्सा कम होना चाहिए, बट हमारी कंपनी ने नए R&D से लगभग 10% माइलेज इंक्रीज हो चुका है, तो ये भी एक स्पेशल बेनिफिट ऐड हो चुका है। तो दोस्तों ये जो अभी सिट्रॉन C3 है, पहले वाली जो वर्जन था उसमें 120 के आसपास से जाती थी, अब ये आराम से 140, आप कंपनी क्लेम करते तो आप 130 आराम से चलोगे तो 140 भी टच कर जाएगी। अभी इसमें स्पेशल ऑन रिकमेंडेशन ऑफ आवर ओल्ड कस्टमर्स हमने रिवर्स फंक्शन ऐड किया है, तो ये रिवर्स फंक्शन में गाड़ी ओल्ड पीपल या लेडीज लोगों को अगर दिक्कत है, वैसे तो गाड़ी का वेट बहुत ही कम है, फिर भी हमने ये ऐड ऑन कर दिया स्पेशल रिक्वेस्ट, और अभी गाड़ी हमारी रिवर्स भी जाती है। और अगर आपके पास यहाँ पे भी ऑन ऑफ आप देख पा रहे हो, जो कि पहले वीडियो में शायद यहीं पे कही था, तो ये आप यहाँ पे आ गया है, तो ऑन ऑफ एक बार ऑन ऑफ करने का तरीका बता दीजिए। अब ये हम ऑफ कर देंगे तो पूरा सिस्टम अब बंद हो चुका है, एक्सीलेटर काम नहीं करेगा, सिस्टम शटडाउन होने के लिए 5-6 सेकंड लगते हैं, और धीरे धीरे मीटर भी वो बता देगा आपको कि हम इट्स गोइंग ऑन शटडाउन मोड, और वो स्विच ऑफ हो जाएगा। इसी में ऑटो शटडाउन हेडलाइट्स का भी फीचर है, जिसमें देखिए 5-6 सेकंड लिया, 5-6 सेकंड और ये बंद हो गया जैसे इन्होंने लॉन्ग प्रेस करके इसको बंद किया, अभी चालू करके दिखाइए सर। अभी हम इमीडिएटली उसको विद इन 15 सेकंड अगर पंच करते हैं तो गाड़ी ऑन भी हो जाती है, यू आर रेडी टू मूव। इसमें स्पेशल फीचर ऐसा है, अभी ऐड किया है न्यू सॉफ्टवेयर अपडेट में, नए वर्जन में, दिस इज द ओनली व्हीकल ऑन इंडियन रोड जो कि विदाउट रिमोट विदाउट एनी की लॉक हो सकती है पूरी, तो अब मैंने ये लॉक कर दिया लॉन्ग प्रेस से, इसमें हैंडल लॉक भी हो गया, सेंसर अलार्म एक्टिवेट भी हो गया, और पीछे का टायर भी लॉक हो गया, बूट लॉक ऑलरेडी, और बैटरी का सेंसर अलार्म एक्टिवेट हो गया। हाँ, तो अभी कोई आपके गाड़ी को हाथ लगे तो ऑफ कोर्स जो है आपको अलार्म जो अब मैंने बटन बताया था की पे वो आपको दबा के या आप आवाज़
कम कर सकते हैं, फिर नहीं हो मतलब डीएक्टिवेट कर सकते हो। अच्छा, इसमें ऐसा है कि समझो आपको आपकी ऑलरेडी पार्किंग स्पेस बहुत सिक्योर्ड है, सिक्योरिटी अच्छी है, तो मैं आपको साइलेंट लॉक सिस्टम भी बताता हूँ। जैसे कि गाड़ी आपकी ऑन है, अभी आप पार्किंग में आए, गाड़ी आपने बंद कर दी, और ये लॉक का बटन रिमोट पे लॉन्ग प्रेस करेंगे, एक बीप साउंड आएगा, ये साइलेंट लॉक ऑलरेडी हो चुकी है व्हीकल। अभी अगर आप जो है हिलाओगे हैंडल को तो जो है आवाज़ नहीं आएगा, तो ये साइलेंट हो गया पूरा। तो एक अच्छी बात है, जिसको आवाज़ नहीं चाहिए वो साइलेंट कर देता है, जिनको आवाज़ चाहिए हाँ भाई कौन हाथ लगा रहा है ये जानने की कोशिश करनी है तो ये आवाज़ चालू कर सकता है। इसमें सिक्योरिटी फंक्शन ऐसा है कि अगर कोई हाथ भी लगाएगा तो डिस्प्ले चालू हो जाएगा, ताकि जो छेड़खानी कर रहा है उसको लगे कि अरे कोई ओनर आ गया है, गाड़ी चालू की है, तो वो बंदा इमीडिएट गाड़ी से दूर वहाँ से दूर हो सके। अभी वॉइस फंक्शंस में न्यू एड ऑन हो चुके हैं, जो कि बैटरी लो का वार्निंग देते हैं, सर्विस ड्यू का वार्निंग देते हैं, और बाकी एक्सेलेटर और अदर चीज़ों का आपको वार्निंग दे देते। तो वॉइस असिस्ट आपको यहाँ पे मिल रहा है, और बूट भी है, की से ही खुलता है, तो एक बार सब बूट खोल के दिखिए और बैटरी के बारे में थोड़ा बताइए। ये बूट की से खुलता है, रिमोट की से खुलता है, हाँ पूरा है, और इसको प्रेस भी ठीक दिया गया है, ताकि कोई लेडी अगर रिमोट भूल जाए और ये ऐसे छोड़ भी दे तो ये लॉक नहीं होगा। तो इसको प्रेस फिट ही कंपलसरी करना है, प्रेस फिट से पता चलता है राइडर को कि अपना रिमोट मेरे पास है, तो ही मैं प्रेस फिट करके लॉक करूंगा। सर एक बार हमारे दर्शकों को बस बैटरी के बारे में थोड़ा बहुत बता दीजिए और क्या क्या बूट स्पेस वगैरह है वो सब बता दीजिए। जैसे ही हम इसका मैसिव बड़ा सीट खोलते हैं बाय इलेक्ट्रॉनिक स्विच, इसके अंदर आपको विदाउट एनी वायरिंग वाली पेटेंटेड टॉर्च मिलेगी, जो कि डिगी खोलने पे ही चालू होती है और बाद में बंद हो जाती है, और इसको आप एज ए टॉर्च भी आपके ट्रेकिंग के टाइम वगैरह यूज कर सकते हो या घर पे यूज कर सकते हो। ये एक बहुत ही बढ़िया बात लगी मेरे को, इंटरेस्टिंग, ये रेयर चीज है एक्चुअली, ये काफी रेयर चीज आपको नहीं देखने मिलेगी इलेक्ट्रिक व्हीकल में। बहुत कम है, हार्डली 2 या 3 साल में आप इसमें 40 रुपीज का सेल चेंज करेंगे तो फिर से काम करेंगे। अच्छा, ये बहुत ही बढ़िया टच लगा मेरे को, किसी भी गाड़ी में मैंने अभी तक नहीं देखा। अभी ये बूट स्पेस आपको अच्छा खासा मिल जाता है 8 to 10 liters का, लेकिन इसमें आप कोई भी कैश, मोबाइल, लैपटॉप आप रख सकते हो, कोई भी माइकालल मैकेनिक इसको चोरी नहीं कर सकता। वैसे ही अपनी कंपनी की बैटरी भी बहुत ही सेफ है। पहली बात तो ये मैकेनिकल लॉक है, इसमें हेलमेट हुक्स और बैग हुक्स दिए हुए, ताकि आपका हेलमेट और बैग्स भी डिजिटल लॉक हो जाएगा, कोई आपको हाथ नहीं लगेगा। इसमें USB चार्जर का फैसिलिटी दिया है, ये स्पेशल चार्जर है जो कि आपका लैपटॉप भी चार्ज करेगा, मोबाइल्स और पावर बैंक सभी चार्ज कर देगा। ये बैटरी खोलने के लिए भी आपको रिमोट के पीछे स्पेशल की सिस्टम दी है, इससे ही ये लॉक खुलेगा और फिर आप बैटरी एक्सेस कर पाओगे। बैटरी कितने किलोवाट की है? ये लगभग 2.5 किलोवाट प्लस बैटरी है। okay. और इसमें भी आप एक्स्ट्रा पेपर्स या फाइल्स वगैरह एक्स्ट्रा रख सकते हो, थोड़ा बहुत सामान इसमें आ जाएगा, कहने का मतलब है टोटली सिक्योर्ड बैटरी स्पेस है, क्लाइमेट प्रूफ और थेफ्ट प्रूफ। सर एक क्वेश्चन है मेरा, लास्ट वीडियो जो मैंने बनाया था उसमें बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सपोज फॉर एग्जांपल साउथ इंडिया में किसी को गाड़ी चाहिए, ठीक है, या फिर आसाम नॉर्थ ईस्ट में किसी को गाड़ी चाहिए, तो आपका प्लान क्या है डिलीवरी का, या फिर किसके साथ टाइप है डीलरशिप का, वो थोड़ा आप जानकारी दे दीजिए। सर पहली बात तो हमने जो प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो बहुत ही हाई क्वांटिटी में बढ़ाया हुआ है। मैं क्यों ये बोल रहे हैं मैं दिखा देता हूँ, ये देखिए इनके स्पेयर पार्ट्स, इनका फैक्ट्री भी है लेकिन इन्होंने अभी शायद यहाँ पे सामान उतारा होगा, इसलिए यहाँ पे आपको दिख रहा है काफ़ी मैसिव क्वांटिटी है, तो स्पेयर पार्ट भी कमी नहीं होंगी और सर्विस की भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। हम इतना एश्योरेंस दे रहे कस्टमर को कि समझो किसी कस्टमर को सिंगल व्हीकल भी बुक करना है, तो आजकल सबसे बड़ी दिक्कत स्पेयर पार्ट्स की है। गाड़ी बेचने में लोग बेच देते हैं बट छोटे छोटे स्पेयर पार्ट जैसे मरगार्ड या कुछ फाइबर पार्ट्स अवेलेबल नहीं होते। हमको कोई भी कस्टमर वीडियो कॉल करे, हम पहले उनको स्टॉक में स्पेयर्स में हमारे डिपार्टमेंट में स्पेयर पार्ट्स बताएंगे और फिर वो बुकिंग कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी पैन इंडिया में ऑलरेडी हमारे बहुत सारे एक्सक्लूसिव डीलर बन चुके हैं अलग अलग मेट्रो सिटीज में, सिटीज के नाम बता देंगे तो अच्छा हो जाएगा। फॉर एग्जांपल हैदराबाद है, अहमदाबाद है, जयपुर, चित्तौड़गढ़, दिल्ली, गुवाहाटी, कर्नाटक में हम 2-3 सिटीज में भी ओपन हो रहे हैं, उड़ीपी, मैंगलोर, कुमटा और चेन्नई और विशाखापट्टनम।
ये सिटीज छोड़ के भी हम एक्सपेंशन फास्ट रखने वाले हैं। दिसंबर 2022 तक हम लगभग 70 आउटलेट्स का प्लान कर रहे हैं, और बेसिकली कंपनी आज डायरेक्ट डिलीवरीज भी बहुत अच्छे से दे रहा है, ऑलरेडी हमने पहले भी दी हुई है, तो कोई रिवर्स। अभी सपोज एक क्वेश्चन है सर मेरा, फॉर एग्जांपल आसाम में आपका कोई सर्विस सेंटर नहीं है मान के चलते हैं, तो वहां पे किसी ने गाड़ी खरीद ली, ठीक है, तो वहां पे सर्विसिंग का क्या सीन होगा उनका? हमने अलग अलग ब्रांड्स जो ओनली सर्विसिंग देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं नाम लूंगा गो मैकेनिक या कोई और ब्रांड्स है, इनसे बहुत सारे सिटीज के लिए टाई अप किया है, और हमारे कंपनी के भी इंजीनियर्स मल्टीपल सिटीज में ट्रैवल करते हैं, तो इस हिसाब से रिमोट एरिया में हम डिलीवरीज भी पहुंचाएंगे और सर्विस भी इजीली दे पाएंगे। नो डाउट लोकल स्टेशन सर्विस से उसके चार्जेस ज़्यादा होंगे, बट सर्विस हर एक को मिलेगा विद स्पेयर्स। दोस्तों तो मैं आपको जो है इसका ब्रेकिंग कितना कारगर है, कितना ज़बरदस्त है वो बताऊंगा। तो सर अभी जो है आपको इस ब्रेकिंग के बारे में बताएंगे। तो अभी हम फर्स्ट मोड पे है, बैटरी भी हमारा फुल चार्ज है, तो चलिए शुरू करते हैं ब्रेकिंग टेस्ट इसका। तो मतलब थोड़ा सिटी में चला रहे तो हो सके स्पीड हम अचीव नहीं कर पाए जितना हमको चाहिए। जीरो से डबल सीट मोड वन पे स्टार्ट करेंगे और पिकअप देखिए आप, और ये है इसका डबल सीट मोड वन स्पीड, और इसमें ब्रेकिंग देखिए, दोनों ड्यूल चैनल एबीएस मैकेनिकल विद सॉफ्टवेयर बिल्टिंग। और इसमें और एक खासियत है ब्रेकिंग की, जो कि मेरा ये लेफ्ट हैंड है, मैं छोड़ दूंगा तो भी ब्रेकिंग वॉबल नहीं होगा। अभी मैंने एक हाथ छोड़ दिया है, फ्रंट ब्रेक यूज कर रहा हूँ, देखिए गाड़ी स्किड नहीं होगा। इनका मतलब है स्किड नहीं होगी, आप सिंगल हैंडेडली ब्रेक करोगे तो झटका लगेगा आपको, ऑफ कोर्स झटका तो लगेगा आप हाई स्पीड पे हो तो, लेकिन स्किड नहीं होगी कुछ भी। इन्होंने हाथ छोड़ दिया और ये टर्न भी मार सकता हूँ, सिंगल हैंडेड आप टर्न भी कर सकते हो ब्रेक। अभी देखिए यहाँ पे आपको क्लियरली पता चल रहा है मेरा हाथ खुला है, मैं ब्रेक दबा के टर्न कर रहा हूँ, देखिए दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ सिट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक असिस्ट सिस्टम। काफी बढ़िया ब्रेकिंग भी काफी तगड़ा है। तो दोस्तों ये थी सब आपके डाउट्स जो पिछले वीडियो में भी थे आपके। तो ये था अपडेटेड एसबी टेक की तरफ से सी ट्रॉन ईवी। तो आशा करता हूँ आपको जो है अपडेटेड वर्जन इसका अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए इस वीडियो को, हम 1000 लाइक्स का टारगेट लगता है, क्योंकि लास्ट वाले वीडियो में इसी सेम ब्रांड के वीडियो में बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्स आया था, तो 1000 लाइक्स कुछ भी नहीं है मान के चल रहा हूँ मैं, आराम से हो जाएंगे। और सब्सक्राइब कीजिए यार, मैं इतना मेहनत करता हूँ आपके लिए, बहुत अच्छे अच्छे वीडियोज़ लाता हूँ, तो सब्सक्राइब करोगे तभी तो मज़ा आएगा मेरे को आगे आगे नए नए वीडियो बनाने में। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, किसी ना किसी को ये अच्छी लगती होगी गाड़ी तो उनके पास ये इन्फॉर्मेशन पहुँच जाएगी, और लाइक दबा दीजिए। और अब जब सब्सक्राइब करोगे तो ऑल का बटन रहेगा नोटिफिकेशन में, उसको प्लीज़ दबा दीजिए, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा नया वाला आपके पास जो है सबसे पहले पहुँच जाएगा। तो थैंक यू वेरी मच।